देखते हैं 23 नंबर, सिद्ध करें कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत संधिवाय करते हैं। चलिए इसको साबित करना है, मैंने तो बता रखा है लेकिन ये साबित करके हमें यहाँ दिखाना है। चलिए यहाँ पे मैं एक सम चतुर्भुज लेता हूँ। सम चतुर्भुज में आपको पता है कि चारों भुजाएं हमें बराबर लेनी होंगी, ठीक है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं इसका नाम ए बी सी डी, और इसके विकर्ण भी मैं मिला देता हूँ, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करा देता हूँ, ठीक है, ये ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। दिया है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ठीक है, तो सिद्ध करना है, एक दूसरे को ओ पर काटते हैं तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए सी तथा बी डी एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबी है और समद्विभाजित भी करते हैं। चलिए तो पहले हम लोग दिखा देते हैं समद्विभाजित करते हैं उसका लेके, और फिर हम लोग दिखाएंगे कि लंब है। मैं त्रिभुज ए ओ डी और तथा त्रिभुज बी, देखो ए ओ डी और सी ओ बी में चलता हूं, सी ओ बी में, ध्यान से देखो ए ओ डी और यहां पर यह सी ओ बी, इन दोनों में चलता हूं। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एंगल ओ ए डी बराबर में, यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा ना, एंगल में ओ सी बी एकांतर अंतःकोण से यह हो जाएगा। अच्छा दूसरा चीज मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए डी बराबर में सी बी, अरे सम चतुर्भुज तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी ना, सम्मुख भुजाएं लिख देते हैं, सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए बराबर हो जाएंगे, सम्मुख भुजाएं। अच्छा तीसरा चीज हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ डी बी बराबर में एंगल ओ बी सी, यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यह भी आपका एकांतर अंतःकोण से। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना दीदी, दोनों त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के, कैसे हो जाएगा, एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता से। और जब ये एक दूसरे के सर्वांगसम हो गया तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ओ ए बराबर में ओ सी और ओ डी बराबर में ओ बी, सीपीसीटी से। तो यहां से ये यह हो गया कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन हमें दिखाना है कि लंब है, लंब भी है, समद्विभाजित करते हैं, यहां से हो गया जब यह इसके बराबर और यह इसके बाद, तो समद्विभाजित करते हैं, लेकिन यह एक दूसरे पर लंब है यह भी दिखाना है, तो यह समद्विभाजित यहां से कह सकते हैं, इसलिए ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हो गया, हमें दिखाना है कि लंब है, ठीक है। चलिए लंब दिखाने के लिए मैं त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज ए ओ बी में चलूंगा, ए ओ डी और ए ओ बी में, यहां देखो तो ए डी बराबर में आपका ए बी भी हो जाएगा, क्योंकि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है आपस में, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं इसलिए। चलिए अच्छा अब देखो इसके बाद दूसरा चीज क्या होगा, तो ओ ए बराबर में ओ ए उभयनिष्ठ कॉमन है, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं यहां पर ओ डी बराबर में ओ बी, हम लोग ऊपर ये साबित कर चुके हैं, ठीक है, ऊपर हम लोग ये साबित, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ डी
सर्वांग समभुज का त्रिभुज ए ओ बी के, कैसे, साइड 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 सर्वांग समता से। और जब ये सर्वांग सम हो गया तो यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी बराबर में एंगल ए ओ बी, ए ओ डी ए ओ बी बराबर हो जाएगा, ठीक है, सी पी सी टी से। अच्छा समझो, यह एक रेखाखंड है और इस पे एक यह रेखा आई है, और यह दोनों जब दोनों आपस में बराबर है, आपको पता है इन दोनों का योग 180 होगा, तो जब बराबर है तो 90-90 ना हो जाएंगी बराबर में 90। तो देखो यह 90 यह 90 हो गया, तो जाहिर सी बात है यह 90 तो यह 90, यह 90 तो यह 90, अतः यहाँ कह सकते हैं कि ए सी तथा बी डी एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित, उसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यही ना हमें दिखाना था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, बहुत ही